जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने हामी भरी है श्रीलंका को $200 बिलियन लोन देने की। ये लोन कहाँ से आएगा, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका के हालात इन दिनों बहुत ज़्यादा डावाडोल है, क्योंकि श्रीलंका की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो टिकी हुई है टूरिज्म पे। वो टूरिज्म पिछले कोविड काल में काफ़ी काफ़ी बर्बाद हुआ है श्रीलंका का, जिस वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डूब चुकी है। अभी पिछले ही दिनों में भारत ने भी श्रीलंका की मदद की थी, तो अब श्रीलंका ने सीधा सीधा पाकिस्तान के मजे लेने के लिए पाकिस्तान से एक मदद मांगी है, और वो सीधी सीधी $200 बिलियन के लोन के लिए मांगी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अब फंस चुके हैं, और पाकिस्तान ने ये हाँ भी भर दिया कि बोले हम देंगे। तो पाकिस्तान के पत्रकार अब कहने लगे हैं कि हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमसे भी नीचे कोई देश है और हमसे भी लोन लेने की फिराक में है कोई ना कोई। तो आज बड़ा ही हास्यास्पद डिबेट है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। हमारा मतलब जो रेड लाइन होती है उसको काफी पहले हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम श्रीलंका को दे रहे हैं। तो अभी शो से पहले मैं यही बात कर रहा था कि यार इसका मतलब है कि ऐसे भी कोई है जो हमसे भी नीचे हैं। तो मतलब खुशी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि एक तरफ हम चाइना से, सऊदी अरेबिया से, इवन ताजिकिस्तान से हम $2 करोड़ पकड़ रहे हैं, और ये $2 करोड़ नहीं है, ये $200 मिलियन है, तकरीबन $20 करोड़ बनते हैं। तो ये हम उनको हमने एग्री किया है, और शायद जो खान साहब चाइना विजिट कर रहे हैं तो वहाँ से कोई उनको कंफर्मेशन मिली हो, क्योंकि अपना तो हाथ पहले काफ़ी तंग चल रहा है। अफगानिस्तान को भी हमने कहा हुआ है कि यार जिसकी वजह से मतलब उनको भी इस वक्त ज़रूरत है, दवाइयाँ चाहिए, कुछ कैश भी बाज़ोकात चाहिए होता है, डॉलर पहले ही फ्लाई करता हुआ वहाँ जाता है। तो चले श्रीलंका भी अब एक और मुल्क भी शामिल हो गया अफगानिस्तान के बाद, कि वो हमसे लोन मांग रहा है। बस मैं क्या कहूँ, उन पे भी कोई, मैं कहता हूँ कोई मेहरबानी हो दुनिया की, और बाकी उनके हालात भी थोड़े से बेहतर हों, कि इस तरह लोन जो है पाकिस्तान से या फिर किसी और मुल्क से ना लेना पड़े। लेकिन इससे ये अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जो अक्सर बात करते रहते हैं कि यार पाकिस्तान बहुत मांगता है, बहुत मांगता है, लेकिन दुनिया में और भी शायद ऐसे कंट्रीज होंगे, हमारी उसमें नहीं होंगे, मतलब रेंज में वेस्ट अफ्रीकन हैं या बाकी और हैं, अब हमारा कंपैरिजन अब मतलब हम उनके साथ करने लग जाएं या फिर अफगानिस्तान के साथ करने लग जाएं, कि वो इतना बेचारों का हाथ हमसे भी ज़्यादा तंग है कि वो हमसे कह रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ दे दो कि हम अपना जो काम है उसको चला सकें। तो अब देखते हैं कि कब पाकिस्तान ये देता है और ये ले के किससे देगा, ये असल मुद्दा है जो अभी देखना है। अच्छा, मैं तो समझी शायद हम अपने पास से ही देंगे, मतलब हमारे पास नहीं, हम किसी और से पकड़ेंगे और देंगे। लेकिन इस न्यूज को आप किस तरह देखते हैं शीश, एज एन इंडियन आपको क्या लगता है कि वाकई में पाकिस्तान भी किसी को जो है वो लोन दे सकते हैं? लेकिन साथ में एक चीज और जोड़ दूं जो मैंने आज ही सुनी है, मियां मंशा हमारे यहाँ एक बिजनेस मैन है जो कि काफी, जैसे आपके यहाँ अंबानी और दूसरे लोग हैं इसी तरह से यहाँ पे काफी जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि शायद एक मंथ के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो शायद पाकिस्तान का विजिट करें। मतलब काफी हैरत की बात है, एक तरफ तो फोन नहीं उठाते और फिर विजिट भी करेंगे, तो ये आप कैसे देखते हैं दोनों न्यूज को? फर्स्ट ऑफ ऑल आरजू, थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग पकार को और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। देखिए, जो सेकंड वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जोक सा लगता है, बट ठीक है, इस तरह के जोक बहुत पहले भी होते रहे हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज, जिस तरह से यू नो इंडिया सेंट्रिक, चाहे वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक लोग हों या फिर पॉलिटिशियंस हों या फिर स्पोर्ट्स हो, ये इंडिया सेंट्रिक जब फोकस जब तक बना रहेगा ना, तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई खास इम्प्रूवमेंट और मूविंग फॉरवर्ड, जिसे कहते हैं ना कि चलो आगे बढ़ो, वो हो नहीं पाएगा। और आपने नहीं सुना होगा, हमारे यहाँ पे अंबानी या अडानी या टाटा या महिंद्रा या और भी जो बड़े बिजनेसमैन है, वो कभी भी कुछ खास पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि बहुत फोकस तरीके से बिजनेस क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है, किसके साथ करना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट से क्लियर मुझे लगता है कि एक तो ऑब्वियसली बहुत फनी बात हो जाती है, दूसरा उनके कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स और कुछ और नरेशन सेटिंग टेम्पररी ही होगा, लेकिन वो करने की कोशिश करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड आपको कि हाउ डू वी सी एज फार एज द
पाकिस्तान गिविंग लोन टू श्रीलंका इज कंसर्न, यू नो आई एम श्योर जब अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा होगा आपके सारे व्यूअर्स उसी समय हंसे होंगे, पकार के आंसर के टाइम भी हंसे होंगे और मेरे आंसर के टाइम भी हंसेंगे, जैसे हम तीनों हंसे। There is obviously on a serious note, there is obviously more than meets the eye. पाकिस्तान का डेट देखिए कितना है आपके खुद के ऊपर, 2020 और 21 के अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखेंगे तो 15 बिलियन यूएस डॉलर, ये 200 मिलियन डॉलर्स आप कहां से लोन दे देंगे? So there is obviously more than meets the eye here. What is it? ये थोड़े दिनों में निकल के सामने आएगा, बट मैं ये जरूर आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इसमें ट्राइंगल निकल के जरूर सामने आएगा, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड चाइना। चाइना की वजह से श्रीलंका की आज इकोनॉमी बहुत बद से बदतर हो गई है, उन्हें वहां पर कितनी बुरी हालत है, अपनी खुद की करेंसी जब फॉरेन टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं तो वो नहीं रिटर्न ले रहे हैं, और रेस्ट वी ऑल नो कि श्रीलंका किस तरह से मैसिव डेट में है चाइना से। अब वो ये ट्रायंगल ही जरूर कोई एंगल है जो निकल के सामने आएगा, लेकिन वी ऑल नो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये कौन सा लोन होता है जैसे प्रकार ने बताया कि इससे लेके उसको दे देंगे, हमारे पास देखिए किसी एक के पास ना, अगर आपके पास लोन चुका रहे होते हैं और फिर कोई आपसे मांगता तो एक बार सोचा भी जा सकता था, लेकिन आप 2002 से लगातार पाकिस्तान डेट है वो देखिए बढ़ते जा रही है और पिछले साल 15 बिलियन यूएस डॉलर हो गई, उसके पहले जब एक सिमिलर एस्टिमेट आया था तब 10.54 बिलियन यूएस डॉलर थी, लगातार इतनी तेजी से आपकी डेट बढ़ते जा रही है, कहां से लेके इसको दे देंगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लोन चुकाना तो दूर की बात है, 15 बिलियन डॉलर्स तो क्या है, ये कर्ज है। मुझे तो जितना हमने अभी तक इकोनॉमी और आपके जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ये क्लियर है कि आपके पास तो किस्तें भरने के लिए, जो उसका ब्याज है ना 15 बिलियन यूएस डॉलर का, वो भरने के लिए पाकिस्तान के इकोनॉमी में उतनी गवर्नमेंट इकोनॉमी में उतनी पावर नहीं बची है, कहां से 200 मिलियन यूएस डॉलर, ऑल्दो इट्स नॉट दैट बिग एन अमाउंट बट स्टिल जब अपनी जेब पूरी तरह से फटी हो तो दूसरों को आप छुट्टे पैसे भी कैसे दें। हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं, मुझे खुद ये सुन के बड़ी हैरत हुई थी, मैंने कहा उन्होंने मतलब किस तरह से ये बात की और हमने खैर ओके भी कर दिया है वो किस बेस पे, लेकिन फखर जैसे मैंने उनकी बात की तीमिया मंशा की, तो हमारे यहाँ तो खैर हमारी फौज भी बोलती है सियासत में, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी बोलती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस उनके अलावा सब बोलते हैं, तो वो बात आप कैसे देखते हैं कि इनकेस अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर मियाँ मंशा ने कहा है तो कोई ना कोई बेस तो होगी उनके पास कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक महीने के अंदर उन्होंने कहा कि विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान। उन्होंने बेसिकली आज बिल्कुल मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी है आज टीवी पे, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर आपका जो मोदी जी का विजिट है वो पॉसिबल है, लेकिन हालात कैसे बेहतर होंगे, क्या मतलब दिल्ली वाले दिल्ली में बैठे होंगे, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में बैठे होंगे, और खुद ही कोई मतलब जैसे कि कोई मैरेकल होगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो उसने कहा था। और वो मतलब अचीश ने बात की कि वहाँ के अंबानी फैमिली हो गई या फिर टाटाज वगैरह हो गए या जो भी बड़े बिजनेस जॉइंट्स हैं वहाँ के, वो बात नहीं करते। लेकिन आशीष मैं चीज थोड़ी सी यहाँ पे वो करूँगा, बात करूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत सख्त जरूरत इसीलिए क्योंकि इस वक्त हम चाइना की जो मार्केट है हम बने हुए हैं कंज्यूमर मार्केट, हम वहाँ से माल उठाते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट लाहौर कराची इस्लामाबाद आपको हर मार्केट में चाइना का माल मिलेगा, और वो वहाँ से बैठ के जो हैंडलर्स होते हैं या फिर मिडल मैन आप उसको कह दें वो पैसा कमा रहे हैं, और कोई मतलब उसका ना कोई उससे बिजनेस जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ना कुछ और हो रहा है। तो अगर वही चीज़ हमारा हिंदुस्तान के साथ हो जाए तो हमें फ़ायदा इसलिए होगा कि एक तो ये कि जो चीज़ स्पेशली मेडिसिन हम आप लोगों से अब भी लेते हैं अगर वो आना शुरू हो जाए, इस वक्त पेनाडोल की शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, बड़े सिटीज़ के अंदर किसी बड़े स्टोर पे आपको पेनाडोल एक आम सी टैबलेट है 15-20 रुपए की वो आती है वो नहीं अवेलेबल। इस तरीके से बहुत सारी वैक्सीन हैं, फिर मतलब फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, मतलब चीज़ें हैं कि वो हम खरीद सकते हैं, बजाय इसके खुद को हम जाके मार्केट से पकड़ते हैं चाइना की वजह से, यकीन करें चाइना का फ्रूट इस वक्त इस्लाम पाकिस्तान के हर मार्केट में आपको मिलेगा, लेकिन उसका ना तो कोई जायका है
ना कुछ और है, और महंगा, सबसे महंगा वही आपको वहां पे मिलेगा, और अब एक नया टैक्स भी उसके ऊपर लग गया। तो बजाय इसके कि अगर वो चीज वहां से ली जाए, तो अगर वो मुझे वाघा बॉर्डर से, जो इस्लामाबाद पहुंचने में उसको मैक्सिमम 4 आवर्स लगते हैं, अगर खंजराब के थ्रू बाई रोड वो चीज आती है तो मेरे ख्याल में उसको कम से कम 2 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। तो वो उस कंटेस्ट में उसने बात की और मुझे अच्छी लगी, लेकिन उसने ये साथ कंडीशन रखी कि अगर हालात बेहतर हों तो हालात कैसे बेहतर होंगे वो आपको भी पता है, और बेहतर करने वाले कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्या चाहेंगे कि हालात बेहतर हों। अगर वो चाहेंगे तो फिर शायद हो सकता है वाघा बॉर्डर पे आना जाना भी होगा, मोदी जी का विजिट भी हो सकता है, बिजनेस टाइज भी हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अगर हालात बेहतर हुए तो। लेकिन ये कंडीशन मेरे ख्याल में एक ऐसी है कि ये कोई, मतलब कोई, मुझे तो लगता है इन्फिनिटी टाइप चीज़ है, हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे हालात बेहतर होंगे और ये सारी। और उन्होंने कहा कि एक मतलब बिहाइंड द कर्टन जो है बातचीत भी चल रही है लोगों की आपस में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो शायद कोई थोड़ा बहुत, मतलब इतना तो नहीं कि मोदी जी विजिट करें, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूं, लेकिन ये हो सकता है कि चलो थोड़ा बहुत आना जाना, और या कुछ छोटी मोटी चीजें जो है आप लोगों की तरफ से हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाए और हमारे यहाँ से आप लोगों की तरफ आना शुरू हो जाए, ये शायद मुमकिन है अगले कुछ मतलब अरसे में। लेकिन ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ी बात है जो उन्होंने यमन शाह साहब ने की। बिल्कुल, लेकिन मियां मंशा साहब ने ये कहा था, इसीलिए मैंने फिर पूछा, क्योंकि जाहिर है वो हमारे यहाँ काफ़ी एक बड़ी चीज़ समझे जाते हैं। लेकिन क्या समझते हैं आशीष साहब, जाहिर है पीछे जिसे कहना चाहिए कि बैकस्टेज बातचीत तो अभी भी चल रही है और मिलना जुलना भी है, पॉलिटिशियंस का भी बातचीत भी है, तो फिर कहीं पर कुछ थोड़ी सी होप है कि कुछ बेहतर हो जाए? नहीं, पर ये मुझे नहीं लगता कि उसी तरह से अभी कोई इमीडिएटली रिस्पांस मिलेगा, लेकिन देखिए कोई इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है नहीं, और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा जो हमने बार बार कहा है कि क्यों बात नहीं हो रही है, बात क्यों नहीं हो रही है, इस पर इस्लामाबाद में बात नहीं होती है, बात नहीं हो रही है बस यही हाईलाइट किया जाता है, लेकिन बात क्यों नहीं की जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इस पर कभी कोई पूछता नहीं है, कभी कोई बोलता नहीं है, कभी कोई सोचता नहीं है, and that is where